बंडा सागर भाजपा जिला महामंत्री वैभव राजकुकरेले का कहना है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संकट के समय नगरीय निकाय समिति बनाने का जो निर्णय लिया है उसमें सभी की सहभागिता बढ़ जाएगी। चूंकि अध्यक्ष सरपंच पार्षद शासन से नीचे से जुड्डी कड्डी होती है, नगर परिषद उपाध्यक्ष राजेश जैन महावीर का कहना है कि जो महत्वपूर्ण निर्णय लिया उसके दूरगामी परिणाम बेहतर निकलेंगे। इसी अवसर पर उन्होंने स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस कर्मी एवं मीडिया कर्मी के कार्यों की सराहना करते हुए जनता से पूर्ण सहयोग की अपील की है। वरिष्ठ पार्षद देव कुमार यादव का कहना है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो सोच समझ कर जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं नगरीय निकाय में जो पुनः जवाबदारी सौंपी है उसमें हम सभी को सफल होकर दिखाना है। युवा पार्षद अनिरुद्ध सिंह पन्ना ठाकुर का कहना है कि जो शासन द्वारा जो निर्णय लिया है उसके हम प्रभारी है, अध्यक्ष परिषद जनता की आवाज होते हैं। संवाददाता टीकाराम साहू। लोगों में जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने राशन वितरण की व्यवस्था की है कि 24 योजनाओं में लोगों को कोई भूखा ना रहे, कोई बाहर फंसा, तो ये सब डाटा इकट्ठा करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा जनप्रतिनिधियों की भी जवाबदारी है, वो इन सबको पूरा करेंगे। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जनप्रतिनिधियों को वापिस बुलाया है। मैं तो यही कहूँगा कि शिवराज सिंह जी ने जो निर्णय लिया है वो सर्वहितकारी है, वो जनता के पक्ष में है और एक जो कड़ी रहती है जनता के बीच के शासन प्रशासन की, उसके लिए उनने बहुत अच्छे से सूझबूझ से कामयाबी के लिए सबके लिए जिम्मेदारी सौंपी कहलानी कि पंचायत स्तर पर सरपंच लोग हैं या पंच लोग हैं, जनपद सदस्य हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं या नगर परिषद में, नगर निकाय में, नगर निगम में या नगर पालिका में जो भी लोग हैं, जो अभी उसमें शामिल तरीके से तो नहीं हो पा रहे थे क्योंकि कई प्रकार की बंदिशें हैं और अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए उन्होंने जो आवाज़ से आवाज़ मिलाई है जनता के बीच से और जनप्रतिनिधियों के बीच से, तो मैं यही चाहूँगा कि सारे प्रदेशवासी और सारे प्रदेश के लोग और जनप्रतिनिधि लोग, शासन प्रशासन जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका में है स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग, जिसके बगैर कुछ हो नहीं सकता। अब जनता के जनप्रतिनिधि अगर संपूर्ण रूप से अच्छी भागीदारी निभाएंगे तो इस कड़ी को तोड़ने में, कोरोना को भगाने में अपन के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं जाएगी। अभी आप थे नगर परिषद के उपाध्यक्ष राय भाई राजेश जैन जी महावीर से, जिनका कहना है कि कड़ी से कड़ी जुड़ गई है और इसके माध्यम से कोरोना की कड़ी टूटेगी। धन्यवाद। एक चीज और से अच्छी भूमिका हमारी मीडिया, हमारे पत्रकार बंधु जिस इस चीज से जुड़े हुए हैं, मैं उनके लिए इस बात के लिए भी कहूँगा और बधाई देना चाहूँगा कि आप सत्य का स्वरूप है और आज के समय में आपसे अच्छी सत्यता कोई प्रदर्शन नहीं कर सकता। तो मैं आप लोगों से भी यही चाहूँगा कि आप भी सत्य का ही काम करें। जो निर्णय लिया गया है नगर परिषद का और नगरीय निकाय का, इसी तरीके का जनपद का, जिला पंचायत का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है, इस समय जो कि बहुत ही महती आवश्यकता है, हम सब मिलकर इस कोरोना महामारी से लड़ें, केंद्र सरकार राज्य सरकार के निर्देशों का पालन करें। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने इस बात को समझा है कि नगरी क्षेत्र से एवं क्षेत्रीय स्तर पर भी कमान संभालने वाले हों, तो जो उन्होंने पुनः जिला पंचायत, जनपद पंचायत और नगरी निकाय में अध्यक्षों को जवाबदारी सौंपी है, उनके साथ हम परिषद के सदस्यों को जवाबदारी सौंपी है। मैं यहाँ पर तो यही कहना चाहता हूँ कि विपत्ति की समय में हम सभी लोग देश के साथ खड़े हैं, पद पर रहते हुए भी और वैसे सामान्य तौर पर भी हमारी सबसे बड़ी सही काम किया है वैसे आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने, और उनका हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इस संबंध में सोचा, क्योंकि कोरोना
एक महामारी के रूप में फैली है और पार्षद अध्यक्ष एक निचली कड़ी होते हैं जो जनता की आवाज़ सीधे ऊपर तक भेजते हैं। तो कोरोना महामारी में भी लड़ने में इसमें बहुत मदद मिलेगी और जो हम लोगों के कार्यकाल के समय जो काम अधूरे रह गए हैं वो एक साल में हम लोग पूरे करने के प्रयास करेंगे। जनता की आवाज़ ऊपर तक भेजने का भी काम पार्षदों के माध्यम अध्यक्ष के माध्यम से होता है।